आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा में संचालित एक प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज के प्रबंधन पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। आरोप है कि कॉलेज का नाम INS में नहीं दर्ज है, ऐसे में अब दूसरे राज्यों में छात्रों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकेगा। छात्रों का कहना है कि जब भी वह इस संबंध में प्रबंधन से बात करते हैं तो आश्वासन देकर 2 साल तक गुमराह किया गया और अब आवाज उठाने पर धमकियां भी जा रही हैं। ये है सर कि हम लोग बिहार से हैं, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के। हमने 2020 सेशन में KD इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग कॉलेज रीवा में एडमिशन लिया था। उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल हमारे कॉलेज का नाम शो करेगा, लेकिन 2 साल से सर नाम शो नहीं किया गया है और अभी तक सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है नर्सिंग में नाम, इंडियन नर्सिंग काउंसिल में नाम शो करेगा, और ना ही वो हार्ड कॉपी दिखाने के लिए तैयार हैं। वो बोलते हैं कि प्रोसेस में है और ये सारा काम मैनेजमेंट का है, जबकि 19, 20 और 20-21 का नाम शो नहीं किया गया है और 21-22 में शो भी किया गया है तो 30 सीटें शो किया गया है। क्या कारण है और ऐसे कितने स्टूडेंट इससे प्रभावित होंगे? सर हमारी कॉलेज, हमारे बैच में 60 स्टूडेंट हैं, बिहार के बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट प्रभावित होंगे। क्या बोल रहे हैं वो? वो ये कह रहे हैं कि ये काम हमारा नहीं है, ये मैनेजमेंट का काम है, आ जाएंगे। 2 साल से सिर्फ यही बोल रहे हैं कि आ जाएंगे, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया, ना ही वो कोई प्रूफ दिखा रहे हैं कि हमने पेमेंट। तो आप लोग दूसरे कॉलेज में कैसे फिर जा सकते हैं? वो दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर करने के लिए भी तैयार नहीं है, ना ही वो मेरा पैसा या फिर वो अपना TC देने के लिए तैयार है। उनका कहना है जो करना है कर लो, हम कुछ। अब तक कितनी फीस ले चुके हैं? हमारी फीस 10,000-10,500 जमा है, हमारी भाई की फीस 60,000 जमा है, ऐसे करके हमारी फैमिली से ही कम से कम 1-2 लाख जमा है सर। तो ऐसे में आपको कॉलेज का कहाँ से मिला ये जानकारी? हमारी रिलेटिव थी, पहले यहाँ पे पढ़ती थी, हमारी मासी यहाँ पे पढ़ती थी, उन्होंने बोला था कि नाम शो करवा लीजिए, हो जाएगा यहाँ पे। वो 2016 की बैच की है, इसलिए उनके थ्रू हम लोग यहाँ पे आए थे। अब क्या बोल रहे हैं डायरेक्टर? डायरेक्टर के मैम का ये कहना है तुम लोगों को जो करना है कर लो, हम कुछ नहीं दिखाएंगे तुमको और प्रोसेस में ही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरमीत पटेल, हम भागलपुर बिहार से हैं। दरअसल प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ आज छात्रों ने रीवा के कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी विभिन्न समस्याओं से संबंधित ज्ञापन पत्र SDM को सौंपा है। ज्ञापन देते हुए छात्र छात्राओं ने मीडिया से बात की, कहा कि हम सभी बिहार राज्य से हैं। रीवा के सगरा में संचालित TD नर्सिंग कॉलेज का नाम INS में नहीं आने से छात्रों का रजिस्ट्रेशन बिहार राज्य में नहीं हो पाएगा। उनका कहना है कि डायरेक्टर के कहने पर 2 साल से उन्हें गुमराह किया गया, वह हम लोगों को 2 साल से झूठा आश्वासन दिया जा रहा है। आरोप है कि जब छात्रों ने INS को लेकर आवाज उठाना शुरू किया तो डायरेक्टर एवं प्राचार्य के द्वारा धमकियां भी जाने लगी कि तुम लोगों का एडमिशन कैंसिल कर देंगे, और यह भी कहा जाने लगा कि जो करना है तुम लोग कर लो। छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन द्वारा दी जा रही धमकी का एक वीडियो भी उपलब्ध कराया है, जिसमें कॉलेज प्रबंधन की ओर से धमकी दी जा रही है। हम सभी स्टूडेंट यहीं पे सुसाइड करेंगे। कर लीजिए, आपको सुसाइड में कॉलेज। हाँ बिल्कुल, मैं जिम्मेदार। कर लीजिए, लगा लीजिए। जो अपने पास शासन का है उसके अलावा अपने पास कुछ नहीं है। तो आपने तो INC को बोला था ना कि INC हमारे कॉलेज में है। हाँ, हमारा कहाँ INC 2020 और 2019 INC नहीं है। आपने नहीं है 2020-21 में कहाँ INC है? आपने बोनाफाइड पे लिखा है ना, बोनाफाइड पे। हाँ, बोनाफाइड पे लिखा है तो 2000 कौन सा नहीं है? 2020-21 में INC नहीं है। 2020-21 का भी INC होगा, उसको प्रोसेस में है। कब से? 2 साल से तो आप यही बोल, कब तक होगा? आप हमको लिख के दीजिए ये बात, कब तक होगा? आप जिसको जहाँ जाना हो जाके उसमें कर दो, RTI नहीं है वो, नहीं है तो आप जाइए जाइए इसके बाद नहीं 2 साल नहीं 10 साल से आओ। आप जाओ वहाँ, 2 लाख फीस रखती, यहाँ क्यों पढ़ने चले आए हो आप? छात्रों का कहना है कि कॉलेज में एडमिशन के वक्त INS के में नाम होने की बात कही गई थी, लेकिन अब INS में नाम न होने की वजह से अब छात्रों का भविष्य बर्बाद होने की कगार पर है, जिसके लिए छात्रों ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन पत्र सौंपा है। हमारे यहाँ बिहार के डिस्ट्रिक्ट को रहने वाले हैं हम। GNA में एडमिशन लिए हैं TD कॉलेज इंस्टीट्यूट में। 2020-23 का सेशन है, INC के लिए हम लोग अर्थी कर रहे हैं। कब एडमिशन लिया था आपने? 2020 में। क्या है ये कॉलेज का नाम और कौन कौन कहाँ पर है ये? रीवा में। स्टूडेंट कुछ आपको अभी आवेदन दिए हैं, इसका क्या मामला है? इनका ये मामला है कि एक कॉलेज है नर्सिंग का, जहाँ कुछ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं,
उस कॉलेज के बारे में से जानकारी नहीं, प्राइवेट कॉलेज प्राइवेट टाइप इंस्टीट्यूट है वो इन बच्चों की अनुसूची नहीं दे रहे हैं और INC करने में लोगों समस्या आ रही है, इसलिए मैंने इनका ज्ञापन लेकर उनको मौका दिया है एक हफ्ते का, उनको समझ देकर उनसे जवाब मांगा जाएगा, यदि वो जवाब नहीं दे पाते हैं तो वैधानिक कार्रवाई उनके विरुद्ध की जाएगी, उनके बच्चों का भविष्य बिगाड़ना या उनके TC रोकने का अधिकार किसी को नहीं है, तो यदि वो समय पर अपने काम करने में असमर्थ रहते हैं तो उचित लीगल एक्शन लेंगे और फिर इनको इनका जो इनकी मांगे हैं जायज़ मांगे